अच्छा, जनरल जनरल हो गया, जनरल लेजर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है? चलिए ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉपी करें जरा, ट्रायल बैलेंस देखिए जी। क्या मतलब, टॉपिक वन कौन सा था? अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस। क्या हुआ, सर्दी लग रही है? आपको इतनी ठंड क्यों लग रही है? अच्छा जी, चलो ट्रायल बैलेंस ये देख लें, समझाता हूँ। उधर बैठिए, इधर आ जाए, उधर बैठिए, रास्ते में बैठ गए आप, पीछे बैठे हैं या आगे बैठे हैं? उधर बैठे हैं, जैसा चार आराम से आ जाएंगे। वापस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, जनरल 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 लेजर और ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, क्या लिखे हो भाई? ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंस। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बनाए थे टी अकाउंट, बैग नीचे रखें, बैग नीचे रखें। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बनाए थे टी अकाउंट, जनरल लेजर टी अकाउंट बनाए थे ना। अच्छा, हर टी अकाउंट का हमने बैलेंस फाइंड किया था, ठीक है, बैलेंस फाइंड किया था। राइट, उन बैलेंसेस को अगर एक पेज पर लिस्ट डाउन कर लें तो वो बन जाता है ट्रायल बैलेंस। यानी कि हमने जो टी अकाउंट बनाए थे बैलेंस फाइंड के, अब सारे बैलेंस यहाँ पे हम लिख लेंगे। कुछ बैलेंस आएंगे डेबिट कॉलम में, कुछ बैलेंस आएंगे क्रेडिट कॉलम में, तो ये बन जाएगा हमारा एक ट्रायल बैलेंस। अकाउंट के नाम आएंगे, कैश, बैंक, रिसीवेबल, पेबल सब आएंगे, और आगे बैलेंस आता जाएगा। कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, रिसीवेबल बैलेंस, पेबल बैलेंस। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या फायदा है, क्या पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं? क्या पता चल जाएगा? नहीं, उससे क्या पता चलेगा? ठीक है, और दूसरा? बाकी बैलेंस वो तो सही है। और तीसरा पॉइंट? हाँ, आप बोले, बहुत बोलते हैं क्लास में, आप बताएं, आपसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, क्या करते हैं? पूरे फिर क्या फायदा उससे, उससे क्या फायदा होता है, क्या पता लगता है? इससे थोड़ी पता चलता है, वो तो इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। प्रॉफिट लॉस तो इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। अच्छा,
देखिए ट्रायल बैलेंस हम क्या कर रहे हैं, जो हमने टी अकाउंट बनाए टी अकाउंट के बैलेंसेस को यहाँ लेस डाउन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? ट्रायल बैलेंस के दो पर्पस हैं बनाने के। एक तो ये कि ट्रायल बैलेंस बनाकर हम अपने लेजर्स की टी अकाउंट की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि वो सही बने या गलत। एक पर्पस तो ये होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाकर हम अपने लेजर्स की टी अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि वो सही बने या उनमें कोई एरर है। सेकंड पर्पस ये होता है कि ट्रायल बैलेंस के बाद ईयर एंड पे हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प कैसे करते हैं? देखिए तमाम अकाउंट्स के बैलेंस यहाँ पे हम लिस्ट डाउन कर लेंगे, सारे बैलेंस आ गए तो यहीं से देखते हैं वो बैलेंस हम आगे कॉपी कर लेते हैं। यानी जब हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके लिए बैलेंसेज हम कहाँ से लेंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को देखते हुए फिर हम अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें बार बार फिर लेजर्स में बैलेंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे बैलेंस एक जगह आ गए तो यहीं से देखते हुए हम इनको आगे कॉपी कर लेते हैं, ठीक। तो इससे हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो जाती है, हेल्प मिल जाती है, ठीक। दो पर्पज हैं, लेजर्स की एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि टी अकाउंट हमने सही बनाए या गलत, उनमें कोई एरर है या नहीं है, और सेकेंड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने में या कह लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये तो इसका फॉर्मेट है सिंपल सा, ऊपर हेडिंग आ गई कंपनी नेम ट्रायल बैलेंस डेट, वहां पे आ जाएगा टाइटल ऑफ अकाउंट। अच्छा, दो कॉलम बनेंगे डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, अब कुछ बैलेंस हम लिखेंगे डेबिट कॉलम में, कुछ बैलेंसेस आएंगे क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। अच्छा, ये ड्रॉ कर लियो, अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4, अब इसका हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो अब क्वेश्चन नंबर 2.4, कल हमने इसके जर्नल लेजर टी अकाउंट बनाए थे, तो वो वाला पेज ओपन कर लें, टी अकाउंट वाला। टू पॉइंट फोर का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, अब इससे बताए पहला अकाउंट कौन सा बना हुआ है आपके पास? कैश का। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 8430। चेक करें कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 8430। अच्छा, देखिए यहाँ पर दो कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। अब ये जो कैश अकाउंट का बैलेंस है ये डेबिट कॉलम में लिखेंगे या क्रेडिट कॉलम में? इसके लिए आप देखें जो बैलेंस बीडी हमने लिखा है ना, बैलेंस बीडी वो किस साइड पर लिख रहे हैं? बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर है, तो बैलेंस बीडी जिस साइड पर आएगा उसी कॉलम में बैलेंस लिखेंगे। तो कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी आ रहा है डेबिट कॉलम में, तो डेबिट साइड पर, तो डेबिट कॉलम में इसका बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। अच्छा, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? पहले बैलेंस बताते हैं, बाद में कॉपी चलेगा आराम से। 17,500। और अब इसका बैलेंस बीडी किस साइड पर आ रहे हैं? क्रेडिट साइड पर, इसको यहाँ क्रेडिट कॉलम में कॉपी कर दे। नेक्स्ट अकाउंट बैंक, बैंक बैलेंस कितना है? 6180। और बैलेंस बीडी किस साइड पे आ रहे हैं? इसको डेबिट कॉलम में लिख लेंगे 6180। नेक्स्ट ऑफिस फर्नीचर, ये अकाउंट ऑफिस फर्नीचर है, बैलेंस कितना है? 1840। और बैलेंस बीडी किस साइड पर आ रहा है इसका? डेबिट पे, इसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट अकाउंट्स पेबल। अच्छा, इसमें आपके पास अकाउंट्स पेबल के दो टी अकाउंट बने हुए, ठीक है, दोनों के बैलेंस बताएं। एक का तो जीरो है, एक का तो जीरो था ना, इक्वल हो गया था, क्लोज हो गया था। एक का बैलेंस आ रहा है कितना? 2300। और इसका बैलेंस बीडी के साइड पर आ रहा है?
बैलेंस बीडी की साइड पर आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पर क्रेडिट कॉलम में लिख लेंगे अकाउंट्स पेड। अच्छा इसमें देखिए, एक अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया था, एक अकाउंट में बैलेंस था ना। अच्छा अगर दोनों अकाउंट में कुछ बैलेंस होता, हाँ फिर हम ये करते हैं कि उसको यहाँ बाय नेम नहीं लिखते, टोटल करके लिखते। अगर दोनों अकाउंट में कुछ बैलेंस होता तो दोनों को ऐड करते और टोटल यहाँ पे कॉपी करते। नहीं आएगा, नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट, अकाउंट्स पेबल के बाद बैलेंस कितना है? 5250 के साइड पर आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो बैलेंस बीडी डेबिट है, डेबिट कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स बैलेंस कितना है? 2100 2300 2100 और किस साइड पे आएगा? डेबिट से। तो बैलेंस पीजी डेबिट है, डेबिट साइड पे लिख लेंगे। नेक्स्ट लोन पेबल बैलेंस कितना है और किस साइड पे आएगा? क्रेडिट हो जाएगा, लोन पेबल आ गया। कंप्लीट हो गए। अच्छा ये हमने बैलेंसेस को लिजाम किया, अब क्या करेंगे, हम दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे। डेबिट कॉलम का टोटल करें, क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे जी। अब दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे और ये दोनों कॉलम्स का टोटल आ रहा है 23,800। उसमें देखिए, अब दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, 23,800 23,800। तो सेम आने का मतलब लेजर्स हमारे एक्यूरेट हैं, सही। ट्रायल बैलेंस से अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है लेजर्स हमारे एक्यूरेट हैं, सही बनाए। तो इस तरह ट्रायल बैलेंस बनाकर हम अपने लेजर्स की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे कॉपी कर लें। टू पॉइंट फाइव ट्रायल बैलेंस टैली कर रहे हैं। टोटल आएगा 17,400। इसके बाद 2.6 ट्रायल बैलेंस टैली कर लें। हमने कुछ बैलेंस लिखे डेबिट कॉलम में, कुछ बैलेंस हमने लिखे क्रेडिट कॉलम में। अच्छा अब ये डिसाइड कैसे कि हमने ये बैलेंस डेबिट कॉलम में आएगा कि ये क्रेडिट कॉलम में आएगा? हमने बैलेंस बीडी देख रहे थे,
ठीक है, बैलेंस बीडी है डेबिट साइड पे तो डेबिट कॉलम में लिखा आपने, और बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर है तो क्रेडिट कॉलम में बैलेंस कॉपी किया। अब इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किस नोट करें, 2.4, 2.5, 2.6, तीन ट्रायल बैलेंस बनाए हमने, इन तीनों में पिक्चर्स नोट करें। देखिए डेबिट पे क्या आ रहा है, बैंक एसेट है डेबिट बैलेंस, कैश एसेट है डेबिट बैलेंस, इक्विपमेंट्स एसेट है डेबिट बैलेंस। तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर आ रहा है। कैपिटल क्रेडिट, लोन पेबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस कहाँ रहे, क्रेडिट साइड। ये चीज आप चेक करें, हर ट्रायल बैलेंस आपको यही चीज मिलेगी। अब इसको चेक करें तो आपको हर ट्रायल बैलेंस में यही चीज नजर आएगी कि एसेट्स का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पर, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड। ठीक है, और हमेशा ऐसा ही होगा, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर आए। तो इस चीज को आप नोट कर लें, ये चीज नोट कर लें, ये लेते हैं। देखिए एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। ये चीज नोट कर लें, आपको ये बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा बैलेंस बीडी कहाँ पे आ रहा है। ये कॉपी कर लें,